दिया, और हमारे बीच पूजा कृष्ण जी उपस्थित है। पूजा कृष्ण मैम आवाज आ रही है मेरे? हाँ आपकी आवाज आ रही है जी। बहुत स्वागत आपका अभिनंदन। आप इंदौर से हैं और जी इंदौर वहाँ पे मल्टी टैलेंटेड लोगों की जगह है, बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी प्रतिभा है और ऐतिहासिक व्यक्तित्व वहाँ से जुड़े हुए हैं। आप कविता, गीत, गजल, छंद, हिंदी की कोई विधा आपसे अच्छी भी नहीं है। और मैंने पढ़ा कि आप आकाशवाणी, दूरदर्शन, कवि दरबार में भी आप आगे पास करते हैं, और भी बहुत सारे हुनर है आपके, बहुत सारी आपके अंदर प्रतिभाएं है। और आज पटल पर मुझे आपको आमंत्रित करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि यत्र तत्र सर्वत्र जो नरेश चंद्र जी जोशी का पटल है, और जहाँ पर आज इस सारे बड़े महायज्ञ की अनुष्ठान की अध्यक्षता करते हुए हरीश के बगल का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, तो आप पढ़े अपना काव्य पाठ करें, अपने व्यक्तित्व के कठोर गुणों को साबित करते हुए सुंदर काव्य पाठ की धारा प्रवाहित करें। स्वागत है मैम। पूजा कृष्ण जी नमस्कार। मैं माँ भारती कविता महायज्ञ में अपने शब्द सुमन लेकर उपस्थित हूँ, और द मैजिक मैन एन चंद्रा ग्रुप अपने आप में एक अद्भुत, अनोखा, कर्मनिष्ठ, लगन, साहस से भरपूर ग्रुप है। मैं इस ग्रुप के सारे पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन, आदर, सम्मान करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रबंधक निदेशक पूनम सागर जी, निदेशक नरेंद्र चंद जोशी जी, सह निदेशक नीता जोशी जी, और इस मेरे लाइव का जो संचालन कर रही हैं मौसमी जी और प्रतिभा जी, आप सभी को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और अपनी काव्य यात्रा आरंभ करती हूँ। मैं इस पटल पर काव्य प्रेमी जो भी उपस्थित है को नमन करती हूँ। अपनी काव्य यात्रा माँ के चरणों में चंद पंक्तियां रखते हुए शुरुआत करती हूँ। कि सुन जरा पुकार, सुन जरा पुकार माँ, आ मुझे निखार। माँ शारदे को समर्पित है चंद पंक्तियां की। सुन जरा पुकार माँ, सुन जरा पुकार माँ, आ मुझे निखार माँ। द्वेष एक हो नहीं, द्वेष एक हो नहीं, हर सभी विकार माँ। द्वेष एक हो नहीं, हर सभी विकार माँ। दिन भले अभाव की, दिन भले अभाव की, दिन भले अभाव की, कम दिखे ना प्यार माँ। दिन भले अभाव के, कम दिखे ना प्यार मां। शीश धर चरण कमल, नमन है सौ सौ बार मां। नमन क्या बात, क्या बात, सौ सौ बार मां, नमन है सौ सौ बार। और देखिए एक गीत से शुरुआत करती हूँ। अभी हम लोग कोरोना काल से उभरे नहीं है, और जहां तक कोरोना काल में बहुतों ने अपने साथियों को खोया है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। बस इसी भावभूमि से एक गीत हिम्मत का आपके बीच पढ़ने की अनुमति चाहती हूँ। आपका जी, संचालन जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ संचालन के लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। मैं आपको बताऊं, डिस्टर्ब करते हुए, इतनी जोरों की बारिश हो रही है कि जहां मैं बैठी थी सुनाई नहीं दे रहा था। अब मैं रूम में आके सेट हुई हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ यथावत चलता रहे। आवाज आ ही रही होगी मेरी, बारिश बहुत जोर की हो रही है। नेटवर्क नेटवर्क हर जगह गड़बड़ करता है, सब जगह। मेरे यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात है, फिर भी मैं आपके बीच में आ पाई हूँ, यह मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत परेशान से गुजर के आप तक पहुंची हूँ। स्वागत है पूजा जी। सुनिएगा, चार पंक्तियां रखती हूँ और उसके बाद एक गीत आपके समक्ष रखूंगी। जी 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 कि जिन्होंने अपने साथियों को खोया है, उनको सबको अपने भाव में शामिल करती हूँ। कि रूबरू मिलते नहीं, रूबरू मिलते नहीं, अब साथ
पर छूटा नहीं, रूबरू मिलते नहीं पर साथ पर छूटा नहीं, याद से रिश्ता जिगर का आज तक टूटा नहीं, टूटा नहीं, रूबरू मिलते नहीं अब साथ पर छूटा नहीं, याद से रिश्ता जिगर का आज तक टूटा नहीं। राधिका कहती सहारा, राधिका कहती सहारा, श्याम का कुछ यू मिला, राधिका कहती सहारा, श्याम का कुछ यू मिला, लुट गया सब कुछ मगर, लुट गया सब कुछ मगर बस हौसला लूटा नहीं, लुट गया सब कुछ मगर बस हौसला लूटा नहीं। सुनीता सुपर सुपर कि मर गई भी जो न मर सके वो आस हो तुम्ही, मर कर भी जो न मर सके वो आस हो तुम्ही, परछाइयों के जैसे मेरे पास हो तुम्ही। जब कोई अपना इंसान चला जाता है तो यकीन नहीं होता कि वह हमसे दूर है, बस यूं लगता है कि वह कहीं अदृश्य रूप में गायब है, कहीं हमारे आसपास ही है। बस इसी भाव को ध्यान में रखिए कि मर कर भी जो न मर सके वो आस हो तुम ही, मर कर भी जो न मर सके वो आस हो तुम ही, परछाइयों के जैसे मेरे पास हो तुम ही, परछाइयों के जैसे मेरे पास हो तुम ही, चेहरा तुम्हारा देखने मर घट चले कदम, चेहरा तुम्हारा देखने मर घट चले कदम, लेकिन तुम्हारी देह को छू न पाए हम, चेहरा तुम्हारा देखने मर घट चले कदम, लेकिन तुम्हारी देह को छू न पाए हम, जलती चिता की आग में जब देह जल रही, जलती चिता की आग में जब देह चल रही, ऐसा लगा कि रूह मुझ में आके ढल रही, ऐसा लगा कि रूह मुझ में आके ढल रही, अब जिस्म मैं हूँ, अब जिस्म मैं हूँ और मेरी सांस हो तुम ही, अब जिस्म मैं हूँ और मेरी सांस हो तुम ही, परछाइयों के जैसे मेरे पास हो तुम ही, परछाइयों के जैसे मेरे पास हो तुम ही। और सुनिएगा दूसरा पल कि हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम सभी को एक न एक दिन उधर जाना है, सबकी डेट उसी दिन निश्चित हो जाती है जिस दिन हमारा जन्म होता है, जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन मरण की भी तारीख निश्चित हो जाती है, हम लोग बस सुनिएगा कि सबको मही है, सबको महा ही जाना इतना मुझे पता, सबको महा ही जाना इतना मुझे पता, असमय बुलावा आया ऐसी भी क्या कथा, सबको महा ही जाना इतना मुझे पता, असमय बुलावा आया ऐसी भी क्या खता, बंधन ही सात जन्म का जब छूटने लगा, बंधन ही सात जन्म का जब छूटने लगा, भगवान से भरोसा पल में टूटने लगा, बंधन ही सात जन्म का जब छूटने लगा, भगवान का भरोसा पल में टूटने लगा, मेरी तो पूजा भक्ति, मेरी तो पूजा भक्ति का प्रसाद थे तुम्ही, मेरी तो पूजा भक्ति का प्रसाद थे तुम्ही, परछाइयों के जैसे मेरे पास हो तुम्ही, परछाइयों के जैसे मेरे पास हो तुम्ही, मर कर भी जो न मर सके वो आस हो तुम्ही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही। अब आई, हाँ, एक
गीतिका और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा जी। और बस यही कि जाने वाले की याद बहुत आती है, इसी भावभूमिका से गीतिका उसके बाद स्वागत है। और कुछ रचनाएं आपके बीच रखूंगी कि गुजारे वक्त की हर खुशगवारी याद आती है, गुजारे वक्त की हर खुशगवारी याद आती है, छुपी आंखों में दिल की राजदारी याद आती है, याद रखती आंखों में दिल की राजदारी याद आती है, चढ़ी रहती है मेरे तन बदन, चढ़ी रहती है मेरे तन बदन में एक नशा बनकर, चढ़ी रहती है मेरे तन बदन में एक नशा बनकर, तुम्हारे प्यार की अद्भुत खुमारी याद आती है, तुम्हारे प्यार अद्भुत खुमारी याद आती है। गजब 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 गजब, बहुत शुक्रिया कि सजा मुस्कान अधरों पर तकू में राह अब तक भी, सजा मुस्कान अधरों पर तकू में राह अब तक भी, लगी है टकटकी दर पर तुम्हारी याद आती है, लगी है टकटकी दर पर तुम्हारी याद आती है। एक और युग सुनिएगा कि बहुत नायाब मोती हो मेरे जीवन की माला की, बहुत नायाब मोती थे मेरी जीवन की माला की, पुराने दिन पुरानी सी ये यारी याद रहे पुराने दिन पुरानी सी ये यारी कमाल के कमाल के कमाल के, बहुत अच्छी बात कि सहेजा है करीने से जहन में आज तक जिसको, सहेजा है करीने से जहन में आज तक जिसको, मुलाकातों की वो मोहक पिटारी याद आती है, याद रहे मुलाकातों की वो मोहक पिटारी याद आती है, कि पुजारिन बन स्वयं को रोज अर्पण कर रही पूजा, चले आओ मेरे बांके बिहारी याद आती है, चले आओ मेरे बांके बिहारी याद, शानदार बहुत शुक्रिया। चलिए मित्रों, कुछ और अशआर आपके बीच में जी जी। जैसा हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई, हर कोई सिखाने वाला ही है, हम इससे क्या सीखते हैं ये हमारे ऊपर है। मैंने भी इस जीवन में बहुतों से बहुत कुछ सीखा है, बस इससे क्या सीखा है यही मैंने सभी को अपना गुरु मानती हूँ, अगर छोटा हो या बड़ा, सबसे सीखना सतत प्रक्रिया है। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ पा रही है। सीखना सतत है और ये कहीं भी किसी से भी हमें सीखना चाहिए जी। तो मैंने कहां से सीखा है, देखिए कि मैंने भी तो इस जीवन में कितने गुरु बनाए हैं, मात पिता और भाई बहन भी इसी रूप में पाए हैं, मैंने भी तो इस जीवन में कितने गुरु बनाए हैं, मात पिता और भाई बहन भी इसी रूप में पाए हैं, बचपन में सब सखी सिखाती विद्यालय में अध्यापक, दिनचर्या से सीखी हूं तो मौसम का भी कुछ है हक।
कि जिन गलियों में खेली कूदी, जिन गलियों में खेली कूदी उनसे भी कुछ सीखा है, जिन गलियों में खेली कूदी उनसे भी कुछ सीखा है, गुल्ली डंडा रस्सी खो खो ये भी गुरु सरीखा है, गुल्ली डंडा रस्सी खो खो ये भी गुरु सरीखा है। सही है, सही कि इस जीवन में साजन ने भी अच्छी राह बताई है, इस जीवन में साजन ने भी अच्छी राह बताई है। बच्चों की यदि बात करूं तो यह भी एक इकाई है, बच्चों की यदि बात करूं तो यह भी एक इकाई है। कि कहने का मतलब है मैंने इतना गुरु धन पाया है, कहने का मतलब है मैंने इतना गुरु धन पाया है, एक नहीं मैंने दुनिया में सबको गुरु बनाया है, एक नहीं दुनिया में मैंने सबको गुरु बनाया है, सबको सबको गुरु बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको गुरु बनाया है, यही आपकी विनम्रता है। बहुत धन्यवाद। चलिए एक रचना और आप पढ़िए। सब लोगों को अपनी माँ से बेहद प्यार होता है, सब जी, और माँ से अनमोल कोई चीज नहीं, माँ जैसा कोई प्यार कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ और सभी की माँओं को अपनी इस रचना में जोड़ती हूँ। सुनिएगा कि कोई न और छोरे, कोई न और छोरी कहीं माँ के प्यारी का, कोई न और छोरी कहीं माँ के प्यारी का, धन से नहीं चुकेगा मूल्य इस दुलारी का, कोई न और छोरी कहीं माँ के प्यारी का, धन से नहीं चुकेगा मूल्य इस दुलारी का, पतझर बसंत या प्रचंड आंधियां चले, पतझर बसंत या प्रचंड आंधियां चले, चट्टानी सी अड़िगन उसको व्याधियां खले, चट्टानी सी अड़िगन उसको व्याधियां खले, पाऊं सुकूनी गोदी में बैठूं जो दो घड़ी, पाऊं सुकूनी गोदी में बैठूं जो दो घड़ी, मेरी नजर में माँ सदा भगवान से बड़ी, मेरी नजर में माँ सदा भगवान से बड़ी, उत्सव मनाए हारे मुझसे अपनी हारी का, उत्सव मनाए हारे मुझसे अपनी हारी का, धन से नहीं चुकेगा मूल्य इस दुलारी का, धन से नहीं चुकेगा मूल्य इस दुलारी का। और देखिए माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, मंदिर की वारी दीप धरे साधना करे, मंदिर की वारी दीप धरे साधना करे, बांधे हजार सूत्र कई कामना करे, मंदिर के द्वार दीप धरे साधना करे, बांधे हजार सूत्र कई कामना करे, मैं सौ चढ़ू सौ पानी माँ उपवास कर रही, मैं सौ चढ़ू सौ पानी माँ उपवास कर रही, मेरे लिए कहाँ कहाँ अरदास कर रही, मैं सौ चढ़ू सौ पानी माँ उपवास कर रही, मेरे लिए कहाँ कहाँ अरदास कर रही, भगवान मान रख रहे उसकी गुहारी का, भगवान मान रख रहे उसकी गुहारी का, धन से नहीं चुकेगा मूल्य इस दुलारी का, धन से नहीं चुकेगा मूल्य इस दुलारी का। और देखिए माँ अपने बच्चों को क्या क्या कहती है, कितने प्यार से
न जाने क्या क्या नाम रख लेती है। पूजा कहे परी कभी लाड़ो पुकारती, पूजा कहे परी कभी लाड़ो पुकारती, निवाने क्या निवाने बनू सवारती, पूजा कहे परी कभी लाड़ो पुकारती, गुणिपानी ज्ञानी वानी बनी सवारी। माता पिता है साथ तो हरिद्वार जाऊंगी, ये मेरा मानना है कि अगर हमारी माता पिता हमारे साथ है तो हरिद्वार और काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ बाप की सेवा कीजिएगा, यह सबसे बड़ा पुण्य है। माता पिता है साथ तो हरिद्वार जाऊंगी, भूखा उन्हें रखूं तो फिर लंगर चलाऊं क्यों, क्या बात, भूखा उन्हें रखूं तो फिर लंगर चलाऊं क्यों, बोलूं सदैव सत्य असर संस्कारिका, बोलूं सदैव सत्य असर संस्कारिका, धन से नहीं चुकेगा मूल्य इस लारिका, धन से नहीं चुकेगा मूल्य इस लारिका, कोई न और छोरी कहीं माँ के प्यारिका, कोई न और छोरी कहीं माँ के प्यारिका, नहीं चुकेगा मूल्य इस लारिका। क्या बात है, क्या बात, पूजा जी, पूजा जी इतनी इतनी सटीक और सार्थक रचना अंदर तक छू गई, बहुत मार्मिक भाव आपने उतेरा, बहुत शानदार, अनंत बधाई है आपको, बहुत ही रचना, बहुत ही सुंदर रचना थी पूजा जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपने। आपको उपेंद्र जी ने भी सुना जो एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार है, तो ये सौभाग्य है हमारा, हमारे बीच है, और आपकी रचना का उन्होंने भी आनंद लिया और आपको उन्होंने सराहना की, ये अपने सौभाग्य है हमारे लिए, यहाँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी रचना को आपने सुना, सराहा और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने अच्छी तरह से काव्य पाठ किया। हमारे अगले रचनाकार हमारे बीच है, हम अपनी काव्य यात्रा जारी रखेंगे और अगले रचनाकार को मैं आमंत्रित करूंगी। उपेंद्र जी एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं इनसे रूबरू होऊंगी। आज मुझे पूजा करने का अवसर मिलेगा आपको। जी जी धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद।